हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आ गई हुआ हूँ 16 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे करंट अफेयर्स जो हैं डेली मंडे टू संडे चालू रहते हैं, और हम जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में इन करंट अफेयर्स को 6 बजे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। सो दोस्तों, आज 16 अक्टूबर है और आज जो है वर्ल्ड फूड डे भी है। सो वर्ल्ड फूड डे को भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा जो है और भी जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हम देखेंगे, और उनसे रिलेटेड जीके भी देखेंगे कि कौन कौन से जीके रिलेटेड हैं और इनके आने की कितनी संभावना है किसी भी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर सेशन ऑफ द डे, और वो कल के हम क्वेश्चन ऑफ द डे से चालू करेंगे। तो कल का जो हमारा 2 क्वेश्चन ऑफ द डे था, आप लोग देख रहे होंगे हम डेली जो है इन क्वेश्चन ऑफ द डे को हम बदलते हैं। कभी हम सॉब्रिकेट्स पे बेस्ड करते हैं, कभी फर्स्ट इन इंडिया पे बेस्ड करते हैं, कभी हम हिस्ट्री, कभी पॉलिटी पे उठाते हैं। सो ये जो था हमारा फर्स्ट इन द वर्ल्ड पे बेस्ड था, तो उसी के हिसाब से है कि विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिंट बुक। सो पुस्तक मुद्रित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसमें जो पहला देश है, इसका सभी ने करेक्ट उत्तर दिया है, तो ये पहला देश है चाइना। कौन है? तो चाइना जो है पहला देश है जिसने कि दुनिया में सबसे पहले बुक प्रिंट किया था। ओके, चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चूंकि इस साल वर्ल्ड कप हुआ था तो इसके आने की ज्यादा संभावना भी रहती है। सो आपको बताना है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप। सो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन सा है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मैक्सिमम ने दिया, तो जी हाँ, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है उरुग्वे है, और उरुग्वे ने जो है इसे 1930 में जीता था। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ हुआ था? ये आपका वर्ल्ड कप हुआ था मॉन्टेवीडियो में, जो कि उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेवीडियो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूँ, तो आप लोगों को बताना है कि जो विश्व कप जो रशिया में हुआ था 2018 का, सो उसमें आपको बताना है कि जो गोल्डन ग्लव है यानी कि बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जो है किसे दिया गया। तो ये आप लोगों के लिए सवाल है कि गोल्डन ग्लव जो है, जो कि बेस्ट गोलकीपर के लिए दिया जाता है, ये किसे दिया गया है फीफा 2018 में, जो कि रशिया में हुआ था और जिसे फ्रांस ने जीता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसे ज़रूर आंसर कीजिएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन की। और ये है पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच एकेडमिक इंस्टीट्यूशन रिसेंटली टॉप्ड इन क्यूएस रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। सो भारतीय संस्थानों की क्यूएस रैंकिंग में हाल ही में कौन सा शिक्षण संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? सो आपको बताना है उस शिक्षण संस्थान का नाम जो कि भारतीय संस्थानों की क्यूएस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अब ये क्यूएस क्या है, ये आप सोच रहे होंगे, तो अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में इसका एक्सप्लेनेशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि आईआईटी बॉम्बे जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग्स में। और जो सेकेंड नंबर पर रहा है वो है आपका आईआईएससी बेंगलुरु, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, तो ये देखिए, तो जो QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये जो है अभी हाल में ही रिलीज़ किए गए, और ये रिलीज़ किसने किया है? ये QS जिसका नाम है क्वाक्वेरेली सीमेंट्स। सो क्वाक्वेरेली सीमेंट्स जो है ये एक UK बेस्ड कंपनी है जो कि एजुकेशन में स्पेशलाइज करती है, और ये हर साल जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकालती है। और यहाँ पे आपको ये बॉम्बे जो IIT बॉम्बे है, ये उसका पिक्चर है IIT बॉम्बे का, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे टॉप 10 दिया है आप लोगों के लिए। ये है IIT बॉम्बे, फिर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, फिर IIT मद्रास, फोर्थ नंबर पे IIT दिल्ली, फिफ्थ नंबर पे IIT खड़गपुर, सिक्स नंबर पे IIT कानपुर। और जो टॉप 10 में 2 यूनिवर्सिटी शामिल है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 7वें और 8वें स्थान पे, और बाकी जो 7 हैं वो IITs ही हैं। सो 7 IITs, 2 यूनिवर्सिटीज एंड 1 आपका IIC बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये बताना है, यहाँ पे एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि भारत में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स होती है, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है, उस रैंकिंग के फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? सो जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के समय से चालू है 2016 से। सो आपको बताना है कि उस रैंकिंग फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं जो भारतीय यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया है। ठीक है, सो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, मैं दे देता हूं यहां पे नेम ऑफ
द फ्रेमवर्क स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, स्टार्टेड बाय इंडिया टू रैंक यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये आपका सवाल है, आप लोगों को जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सो आप देख रहे होंगे कि हम जहां पे भी क्वेश्चंस, या हम आपको ये क्वेश्चंस नहीं करा रहे, मतलब कि जो क्वेश्चंस हैं जो करा रहे हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस, हम यहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के भी लीड छोड़ रहे हैं जो कि मतलब कि बहुत ही आप देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर्स में रहे हैं, या तो हम आपको एक तरह से करंट अफेयर्स का यहाँ पे रिवीजन भी करा रहे हैं। सो आर ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग दीज क्वेश्चंस इन द मिड ऑफ द सेशन इज टू मेक यू रिवाइज ऑल द रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, सो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नेम द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली। सो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। सो जी हाँ, ये कौन है, तो ये हैं आपके पॉल एलन। सो पॉल एलन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे, जिन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी। अल्बकर्क, ऐसा मतलब कि ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, सो न्यू मैक्सिको में जो है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी थी पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर। सो पॉल एलन जो है इनका जो कल निधन हो गया, और ये 65 साल के थे, कितने साल के थे, 65 साल के थे पॉल एलन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पॉल एलन की जो है यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, तो पॉल एलन इसके को फाउंडर थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे। अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि आज 16 अक्टूबर है और आज वर्ल्ड फूड डे है, तो आपको बताना है कि विश्व खाद्य दिवस 2018 का विषय क्या है। सो इसका जो विषय है वो है आपका आर एक्शंस आर आर फ्यूचर, यानी कि हमारी गतिविधियां हमारा भविष्य है। सो आर एक्शंस आर आर फ्यूचर, सो ये है आपका थीम। सो ये थीम जो है किसकी ओर फोकस्ड है, ये एम कर रहा है जीरो हंगर की ओर। सो जीरो हंगर जो है कब तक अचीव करना है, 2030, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जो है आपका एक गोल है जीरो हंगर। ठीक है, अब ये जो आपका जो वर्ल्ड फूड डे है ये कब से मनाया जाता है। सो वर्ल्ड फूड डे जो है ये 1980 से मनाया जाता है, और 1979 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी, जब आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की फूड एजेंसी है, उसकी 20वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, सो 20वीं जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, एफ ए का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, आपका हेडक्वार्टर है रोम में। सो रोम में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1979 में, उस टाइम ये डिसाइड किया गया कि जो है 16 अक्टूबर जो कि एफएओ जो है उसकी स्थापना दिवस है। सो 1945 में एफएओ की जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 16 अक्टूबर को, तो इसी को हम कॉमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। और ये कब से हो रहा है, 1979 से, और 80 में पहली बार हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है कि आपको ये बताना है कि अब वर्ल्ड फूड प्राइस जो है, वर्ल्ड फूड प्राइस 2018, सो वर्ल्ड फूड प्राइस 2018 जो कि जून में अनाउंस हुआ था, ये इस साल किसको दिया गया है। इसको हम लोग नॉर्मन बोरलॉग प्राइस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग प्राइस भी कहते हैं। सो आपको बताना है, या फिर इसको हम लोग नोबल प्राइज फॉर फूड भी कहते हैं। सो आपको बताना है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2018 जो है किसको इस साल दिया गया, और ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सब आंसर करेंगे। तो दोस्तों, बीच में यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। सो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अवार्ड अमाउंट टू बी गिवन टू अ स्टेट अचीविंग हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अर्ली अंडर सौभाग्य स्कीम। सो आपको बताना है कि सौभाग्य योजना के तहत जल्द घरेल विद्युतीकरण प्राप्त करने वाले राज्य को पुरस्कार राशि क्या दी जाएगी। सो कल जो है ऊर्जा मंत्रालय ने जो है एक अवार्ड स्कीम का अनाउंस किया, जिसके तहत ये था कि जो भी सौभाग्य स्कीम के अंडर जो भी राज्य सबसे पहले जो है घरेलू विद्युतीकरण करेगा, उसे जो है एक कैश अवार्ड दिया जाएगा।
सो ये कैश अवार्ड कितना है ये आपको बताना है। सो ये कितना है, ये है आपका रुपीज 100 करोड़। कितना है? रुपीज 100 करोड़ जो है ये उस राज्य को दिया जाएगा। इसके अलावा जो है, इस 100 करोड़ के अलावा जो है, जो डिस्कॉम्स हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि बिजली का वितरण करती है, तो जो भी बिजली डिस्कॉम कंपनी जो पहले हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी तो उसको जो है कितना दिया जाएगा, उसको 50 लाख रुपए दिया जाएगा। सो यहाँ से ये आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो इस 50 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए जो है उस डिस्कॉम कंपनी के एम्प्लॉय के बीच में वितरित किया जाएगा। ये भी इस अवार्ड स्कीम के अंतर्गत है। और ये जो अवार्ड स्कीम है ये किसके अंतर्गत है? ये सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, जो कि सितंबर 2017 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये जो स्कीम है, कितने लागत है इस पे? 16,320 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो याद रखना है कि ये जो अवार्ड स्कीम है इसमें 8 स्टेट्स जो हैं नहीं इंक्लूडेड हैं, ये आपको याद रखना है। सब तो आपको 100 करोड़ रुपए तो ज़रूर आपसे पूछ लेंगे, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि वो 8 स्टेट्स कौन हैं जो कि इस अवार्ड स्कीम से बाहर है। सो ये कौन कौन से हैं? ये है आपका गुजरात, पंजाब, गोवा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। अब यही 8 राज्य क्यों? बिकॉज ये 8 राज्य हैं जहाँ पे जो है 99% जो है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। सो इसीलिए जो है इन राज्यों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। सो इन राज्यों में क्या हो गया है? 99% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, सो आपको ये याद रखने हैं। मैं फिर से एक बार याद करा देता हूँ, गुजरात, पंजाब, गोवा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जो है इसमें और एक जानकारी है कि ये जो अवार्ड स्कीम है इसके लिए स्टेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कि वो स्टेट्स होंगे जहां पे जो हाउस होल्ड्स हैं उन जहाँ पे जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी संख्या, जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन होना है जिन हाउस होल्ड्स में, वो जो संख्या है 5 लाख से कम है। दूसरा है कि ऐसे हाउस होल्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन होना है वो जो संख्या है 5 लाख से ज़्यादा है। सो ये 2 कैटेगरी के स्टेट्स हो गए। और तीसरा कैटेगरी है आपका उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। सो एक बार मैं फिर से आपको करा देता हूँ कि लेस देन 5 लाख इलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड, मोर देन 5 लाख इलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स और तीसरा नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आई होप आपको यहाँ से मिल जाती है, आप कैरी करके ले जा रहे हैं और आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाई विच ईयर द सेंटर एम्स टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स बाई 50%। सो किस वर्ष तक केंद्र ने सड़क दुर्घटनाओं को 50% से कम करने का लक्ष्य रखा है? सो ये कब तक रखा है? तो ये आपका 2020 तक जो है ये लक्ष्य जो है अचीव करने का केंद्र सरकार ने रखा है। सो अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये जो है ऐसा क्यों हमने ये सवाल पूछा, क्योंकि कल जो है केंद्र सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, उसने एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है, मैं लिख देता हूं, यूथ रोड सेफ्टी, यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम। सो लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम, सो ये जो भी फर्स्ट टाइम ड्राइवर हैं ये उनके लिए प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसी में जो है कहा गया है कि जो रोड एक्सीडेंट्स है उसको 50% तक कम करना है। कब तक? 2020 तक। अब आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे कि मैंने कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड 2017 के आंकड़े जो है वो आपको याद कराए थे। सो आपको ये बताना है कि 2017 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि किस राज्य में सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई थी। ठीक है, सड़क दुर्घटना सबसे ज़्यादा हुई थी। मैं ये हिंदी में लिख रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, आपको बताना है 2017 में,
सो ये आपका सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है. सो यू हैव टू टेल इन विच स्टेट इन 2017 द इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट वॉज द लार्जेस्ट. ठीक है, ये आपका सवाल है. चलिए अब बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर. हमारा छठा क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन टू कंस्ट्रक्ट म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया लेड. सो भारत के प्रधानमंत्रियों पर संग्रहालय बनाने के लिए नींव कहाँ रखी गई. सो इसकी नींव जो है नई दिल्ली में रखी गई. अब न्यू दिल्ली में भी कहाँ रखी गई, तो ये आपका स्टेट है तीन मूर्ति स्टेट. तीन मूर्ति स्टेट, सो तीन मूर्ति स्टेट में जो है 270 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस म्यूजियम को बनाया जाएगा. और इसमें हर एक प्रधानमंत्री कार्य और प्रधानमंत्री कार्यालय के जो है कार्य प्रणाली उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा. अब इसमें जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि न्यूज़ में रह रहा था और जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी. और उसका नाम क्या है, सो उसका नाम है आपका, आपको ये भी याद रखना है, ये कल को आ सकता है सवाल, कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. ठीक है, सो ये जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये भी तीन मूर्ति स्टेट में है और ये जो है नई दिल्ली में है. सो सवाल आपसे ये हो सकता है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ये किस शहर में है, तो जी हाँ ये नई दिल्ली में है और जो है ये तीन मूर्ति स्टेट के बगल में है. सो इस पे कंट्रोवर्सी इसलिए उठी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इसका कैरेक्टर जो है पूरा बदलने के लिए जो है काफ़ी वो था. तो बाद में जो यहाँ की जो इसका एसोसिएशन है इन्होंने लिखा और कांग्रेस मेंबर्स ने भी लिखा कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनकी लेगेसी को कम्प्लीटली डाइल्यूट ना किया जाए. और इसलिए क्या है कि केंद्र सरकार ने ये डिसाइड किया कि NMML को बिना टच किए तीन मूर्ति स्टेट पे बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए जो है उनका एक म्यूजियम बनाया जाएगा. सो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर. हमारा सातवां क्वेश्चन है कि विथ विच कंट्री इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज. सो किस देश के साथ भारत ने अपना पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास किया था. सो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है रशिया. सो रशिया के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में पहला त्रिसेवा अभ्यास किया था, यानी कि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज किया था. अभी तक कैसा होता था, किसे, इंडिया रशिया आर्मी एक्सरसाइज, इंडिया रशिया एयरफोर्स एक्सरसाइज, इंडिया रशिया नेवल एक्सरसाइज. लेकिन अब क्या है कि इंडिया रशिया जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज था 2017 में किया था. और जो दूसरे नंबर की कंट्री है जिसके साथ भारत करना चाह रहा है वो है आपका USA, सेकेंड कंट्री है. और फ्रांस के साथ अभी हाल ही में जब निर्मला सीतारमण जो है फ्रांस गई थी अभी हाल ही में, तो वहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ कि फ्रांस के साथ भी भारत एक ऐसा ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज करेगा. सो फ्रांस जो है तीसरा देश है. सो तीन देश आपको याद रखने हैं जिसके साथ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होंगे, वो है आपका रशिया, USA, फ्रांस. और ये क्रम में हमने आपको बताया है. ठीक है, सो ये देखिए, सो वाई न्यूज, मैंने जैसा बता दिया कि ऐसा एग्रीमेंट हुआ है फ्रांस के साथ जब डिफेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण गई थी विजिट करने. ठीक है, और ये तीसरा होगा, थर्ड सच जॉइंट एक्सरसाइज, पहला रशिया, दूसरा US और तीसरा हो जाएगा फ्रांस. अब इसमें सवाल ये आता है कि फ्रांस के साथ अब तक हम कौन कौन से लेवल पे है एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका नाम क्या है. सो जो शक्ति है, शक्ति एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस आर्मी के बीच में है. ठीक है, दूसरा है वरुणा. सो वरुणा चूंकि हवा से रिलेटेड है तो ये है आपका किससे, सॉरी वरुणा बारिश से रिलेटेड है, पानी से. सो वरुणा जो है इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज है. और जो आपका गरुड़ है, गरुड़ हवा में उड़ता है, तो वो है इंडिया फ्रांस जो है एयरफोर्स एक्सरसाइज. ये तीनों आपको याद रखना है, शक्ति, वरुण, गरुड़, ये है आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्सरसाइज विथ फ्रांस. अब इसमें एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उभर के आया है जो कि आपको समझना है कि जब निर्मला सीतारमण जो है जब गई, एक तो दसाल की जो फैक्ट्री है वहाँ पे गई थी जहाँ पे रफेल बनता है, रफेल फाइटर जेट, जिसपे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है इस बात पे भी सहमति हुई कि भारत और फ्रांस ने जो एक लॉजिस्टिक्स पैक्ट जो है
मार्च 2018 में साइन किया था उस पे भी चर्चा हुई। अब इस लॉजिस्टिक पैक्ट के तहत क्या है कि भारत जो है फ्रांस का कोई भी मिलिट्री बेस है उसको जो है इस्तेमाल कर सकता है और फ्रांस भी भारत के किसी भी मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकता है फॉर लॉजिस्टिक्स। और ऐसा जो है आपको बताना है, मैं यहाँ पे एक आपसे सवाल पुट कर रहा हूँ कि ऐसा जो है भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है लेमोवा, ये भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ही है, तो लेमोवा एग्रीमेंट जो है ये किस कंट्री के साथ भारत ने जो है साइन किया है ये आपको बताना है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लेमोवा जो एग्रीमेंट है ये भी लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, किस कंट्री के साथ भारत ने साइन किया है। अब इसमें क्या है कि भारत के लिए जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट के फ्रेंच बेसिस हैं ये आपको याद रखने हैं, ये फ्रेंच बेसिस हैं इंडियन ओशंस के अंदर। और ये तीन फ्रेंच बेसिस कौन से हैं, ये आपका सबसे पहला रीयूनियन आइलैंड, दूसरा है जिबौती और तीसरा है आबू धाबी। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, ये फ्रेंच बेसिस हैं जिसको भारत इस्तेमाल कर सकता है और ये सारे के सारे हिंद महासागर में हैं यानी इंडियन ओशन में हैं। ये देखिए मैप में, सो ये रहा आपका, ये मेडागास्कर के बगल में आपका रीयूनियन आइलैंड है, कहाँ है, मेडागास्कर के बगल में एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। फिर यहाँ पे जो है ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा गोल हुआ है पॉइंट, तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका जिबौती है, ठीक है, ये जिबौती है। अब अबू धाबी कहाँ है, ये आपका यूएई में है, सो ये आपका सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में यहाँ पे है आपका अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी जो है ये यूएई का पार्ट है। सो ये जो है तीन फ्रेंच बेसिस हैं किस जिसको भारत जो है पर्टिकुलरली इस्तेमाल करना चाहेगा और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के है भारत के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज प्रेसिडेंट रिसेंटली फायर्ड इट्स प्राइम मिनिस्टर अहमद बिन डागर साइटिंग नेग्लिजियंस। सो आपको यदि अहमद बिन डागर का नाम पता है कि वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको ये सवाल का आंसर भी पता होगा। सो आपको बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री अहमद बिन डागर को लापरवाही के चलते पद से हटा दिया। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यमन। सो यमन जो है ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, यहाँ पे देखिए ये रहा आपका ये सऊदी अरेबिया, ये आपका अफ्रीकन नेशन है, ये देखिए मैंने जैसा बताया था जिबौती पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये पूरा आपका यमन है जो कि आपका मिडिल ईस्ट के आपका या वेस्ट एशिया के एकदम नीचे है और अरेबियन सी के ऊपर है। और इसकी कैपिटल क्या है यमन की, ये साना, सो साना इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी है क्या, इसकी करेंसी है आपका रियाल, इसकी करेंसी क्या है, रियाल इसकी करेंसी है, ठीक है यमन। सो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है, अब प्रेसिडेंट भी आपको याद रखना है, सो यहाँ के यमनी प्रेसिडेंट कौन है, आबेद रबो मंसूर हदी। सो क्या है, आबेद रबो मंसूर हदी, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री अहमद बिन डागर को नेग्लिजियंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनको हटा दिया। इनका कहना है कि जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है और जो रियाल लगातार नीचे गिर रहा है प्लस जो अभी तूफान आया था उससे सही से नहीं निपटकाने के पाने के कारण अहमद बिन डागर को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह पे प्रेसिडेंट हादी ने किसको नियुक्त किया है, मोइन अबुल मलक सईद। किसको नियुक्त किया है, मोइन अबुल मलक सईद, ये यमन के नए प्रधानमंत्री हैं जो अभी तक पब्लिक वर्क्स और रोड डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, ठीक है। सो कौन है, मोइन अबुल मलिक सईद, ये यमन के नए प्रधानमंत्री हैं, अहमद बिन डागर को हटाया गया है और राष्ट्रपति हैं अबद राबो मंसूर हदी, करेंसी रियाल, कैपिटल साना, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नवा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वॉर मेमोरियल विल बी बिल्ट इन न्यू दिल्ली। सो आपको बताना है कि नई दिल्ली में किस देश का युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। सो ये बनाया जाएगा किसका, ये साउथ कोरिया का जो है यहाँ पे मेमोरियल बनाया जाएगा, क्योंकि भारत ने जो 1953 में आर्मिस्टिस हुआ था किसमें, नॉर्थ और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में जो आर्मिस्टिस हुआ था यानी कि जो
एग्रीमेंट साइन हुआ था। सो 1953 में जो वॉर हुआ था उस समय भारत ने हालांकि कॉम्बैट बेसिस पे सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि क्या है मेडिकल जो है फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की थी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। और इसी भारत के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए साउथ कोरिया जो है नई दिल्ली में अपना जो है एक युद्ध स्मारक बनाएगा, और ये सेंट्रल दिल्ली में बनेगा। कहाँ? सेंट्रल दिल्ली में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दसवें क्वेश्चन की ओर। हमारा दसवां क्वेश्चन है कि फॉर विच सिटी एन एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम वॉज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 15, 2018। सो किस शहर के लिए 15 अक्टूबर 2018 को वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लॉन्च की गई है? सो जी हाँ, आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे, ये आपका नई दिल्ली जो है इससे जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है, क्योंकि कल जो है यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है इसको भी लॉन्च किया, यानी कि ग्रैप को भी लॉन्च किया। अब आपको अगर ग्रैप का वीडियो देखना है तो आपको कल यानी 15 अक्टूबर का जो है वीडियो जो है देखना पड़ेगा कि ग्रैप क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमारा जो है आज 10 क्वेश्चनों का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आज इंडियन पॉलिटी से, दो क्वेश्चन हम पूछेंगे। सो आपका है कि विच इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशनड इन द 8th शेड्यूल। सो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषा कौन सा नहीं है? ए पर्शियन, बी संस्कृत, सी कश्मीरी या डी नेपाली। तो आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, सो संघ के विधानमंडल जिसे संसद कहा जाता है शामिल है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यसभा और लोकसभा या डी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपको अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है, और हम इसका आंसर कल जो 6 बजे वीडियो प्रस्तुत करेंगे उससे पहले आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।